योर मैथ्स क्लास, ये आपकी मैथ्स की क्लास है। सो नाउ आज हम क्या सीखेंगे, आज हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ये हमने पहले भी सीखा था, लेकिन आज हम क्या सीखेंगे, टू डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। पहले हम क्या करते थे स्टूडेंट, पहले हम एक डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखते थे, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि यहाँ पर क्या लिखा होगा, थ्री, हमें थ्री का टेबल पढ़ना है कितनी टाइम, टू टाइम्स। जैसे थ्री बनता थ्री, और थ्री टू का कितना होता है, थ्री टू का होता है सिक्स। तो क्या है थ्री टू का सिक्स, ऐसे नॉर्मल आप सबको आता है, आप सब अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन आज हम क्या सीखेंगे फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे टू डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये हमारा सम है, हमें इसको सॉल्व करना है। आपको पता है ये किसका साइन होता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, ठीक है, मीन गुणा करना। तो पहले हमें देखना है यहाँ क्या लिखा है, नीचे यहाँ लिखा है टू, टू को आपका टेबल पढ़ना होता है, जो ऊपर डिजिट दी हुई होती है उतनी बार। तो यहाँ क्या लिखा है, थ्री लिखा है, तो आपको टू का टेबल कितनी बार पढ़ना है, थ्री टाइम्स पढ़ना है। तो आप सभी को टेबल याद है, टू थ्री का कितना होता है, टू थ्री का सिक्स होता है। तो आपका क्या आ गया हमसे यहाँ, टू थ्री का सिक्स। अब आपको टेबल कितनी बार पढ़ना है फिर से, अब आपको यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है फोर, तो टू फोर का कितना होता है, टू फोर सा एट, सिंपल है, कर लेंगे सभी। अभी एग्जाम्पल हो लेते हैं, देखिए थ्री टू थ्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थ्री लिखा है, आपको थ्री का मल्टीप्लाई करना है पहले टू में, ठीक है। तो थ्री टू का सिक्स, और थ्री थ्री का आपको यहाँ पर थ्री लिखा हुआ है, यहाँ पर वन होता है, यहाँ पर टेंथ होता है, तो टेंथ प्लेस पर आपका लिखा है थ्री। तो आपको फिर थ्री का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ना है, थ्री टाइम्स पढ़ना है, थ्री थ्री का नाइन। ओके फ्रेंड्स, आगे और एग्जाम्पल लेंगे। इस तरीके से आपका सम हो गया। आपको जो भी आपको मल्टीप्लाई करने के
बाद आया जितना भी आप कैरी लगाओ, जरूरी नहीं है हर बार बन ही आए, कुछ भी आ सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है। तो आपको उस बार मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, तभी लिखेंगे, तभी आपका आंसर राइट होगा। चलिए आगे Thank you.